पृथक विंध्य प्रदेश की मांग चरम पर। अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर कई नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और विंध्य पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। पहले रीवा के लक्ष्मण तिवारी जहां विंध्य का दौरा कर चुके हैं, वहीं नारायण त्रिपाठी दूसरी बार विंध्य के दौरे पर हैं। सोमवार को शहडोल पहुंचे नारायण त्रिपाठी ने विंध्य पुनर्गठन को लेकर आम सभा को संबोधित किया और कहा कि हमें अपना पुराना विलय विंध्य अब वापस चाहिए ताकि विंध्य की जनता उपेक्षित ना रहे, विंध्य की जनता के पास रोजगार के अवसर हों। उन्होंने कहा कि अलग विंध्या बन जाने से हमारे क्षेत्र का हर दिशा में विकास होगा। जिस आधार पर विंध्या को विलय किया गया था वो आज तक यहाँ की जनता को नहीं मिल सका। यदि विंध्या की विकास चाहिए तो अलग विंध्या प्रदेश बनाना ही पड़ेगा। इस मौके पर शहडोल में आसपास के सैकड़ों लोग मौजूद रहे जो विंध्या की मांग का समर्थन करते भी दिखे। के पुनर्निर्माण को लेकर 2 तारीख को माई शारदा में मत्था टेकते हुए, प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए जन जागरण अभियान में निकला हूँ। हमारे विंध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के जो अध्यक्ष महोदय हैं स्पीकर साहब गिरीश गौतम जी, उनका निर्देश भी हमें कि जन जागरण अभियान चलाओ, लोगों को जागरूक करो। उस दिशा में मैं 2 तारीख से चलते हुए कल नर्मदा मैया में गया, वहाँ भी प्रणाम किया, वहाँ निवेदन किया कि हे माँ, हमारा विंध्य प्रदेश जो पहले था उसका निर्माण करें। इस मिशन में चलते हुए आज मैं शहडोल में, शहडोल जिला को घूमते हुए अब मैं चला जाऊंगा सिंगरौली, फिर सीधी, फिर 13 तारीख को रीवा में हम समापन करेंगे। तो इस दौरान जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ क्षेत्र से कि लोग गाड़ियों को देख के, गाड़ी को दौड़ा के हमें रोक के, एक से एक बुजुर्ग और युवा इस बात पे चिल्लाते मिले कि त्रिपाठी जी आप इस मिशन में लगे रहें, हर हाल में हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। तो इस क्षेत्र में जो जन जागरण के अभियान के दौरान में देखा कि लोगों को ज़रूरत है, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ, इसका जो विलय हुआ कुछ शर्तों के तहत विलय हुआ था पर उन शर्तों का विंध्य में पालन नहीं किया गया, तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसलिए कि क्षेत्र फल की भी दृष्टि में, भौगोलिक दृष्टि में भी ये बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। तो ये बड़ा क्षेत्र होने के कारण हमारे मुख्यमंत्री जी अंतिम छोर के गांव तक नहीं जा पाते, और कल मैं विंध्य के अंतिम छोर का गांव सेमरा वहां तक भी गया, वहां तक की भी स्थितियों को देखा कि विंध्य में, विंध्य हमारा कितना उपेक्षित है। ये कई चीज़ों से आपको भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ भरा पड़ा है कच्चा माल, पर कच्चा माल हमारे यहाँ से जाके 80% बाहर जाता है और हम लोग देखते रह जाते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ है, डायमंड है पर डायमंड की चमक सूरत है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए अब विंध्य की ज़रूरत है इसके पुनर्निर्माण के लिए, और जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए इस विकास के बारे में संगठित कौन नहीं होगा। अभी भी असंगठित आपको दिख रहे होंगे जो कुर्सी में बैठे हैं, अभी भी आपको बिखरे हुए वो लोग दिख रहे होंगे जो निर्वाचित लोग हैं। उनको अपने अपने हित की चिंता है, उनको अपने धंधे और व्यापार की चिंता है। राजनीति में आने के बाद जब आदमी निर्वाचित हो जाता है तो अपने धंधा व्यापार में लिप्त हो जाता है, तो कुछ इसीलिए उनकी मजबूरी को बोल नहीं पा रहे। पर उनके अलावा अन्य सभी लोग संगठित हैं इस विषय को लेकर। गाँव का मजदूर दौड़ रहा सड़कों में, कब तक 1 रुपया किलो गेहूँ चाउर में चलेगा, कब तक 1 रुपया किलो गेहूँ चाउर में हम लोगों को ठगते रहेंगे, कब तक लूटते रहेंगे, कब तक वोट लेके सरकार बनाते रहेंगे। उनका भी मान सम्मान, स्वाभिमान होगा, वो भी सम्मान के साथ अपना और अपने घर परिवार का पेट पालना चाहता होगा। ये हमारे विंध्य में इतनी क्षमता है कि हमारे यहाँ का मजदूर भी आत्मनिर्भर सम्मान के साथ जीवन चला लेगा यदि विंध्य प्रदेश हमारा बन जाए। हमारे यहाँ टूरिज्म के दम पर इस विंध्य प्रदेश को अद्भुत प्रदेश बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाया जा सकता है।